आईटीआई विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लायर के बारे में। प्लायर को साधारण तौर पर प्लास कहा जाता है और किसी भी वर्कशॉप में प्लायर का होना अनिवार्यता समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे मल्टीपर्पस वर्क लिया जाता है, यानी कि प्लायर एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा न सिर्फ काटना बल्कि पकड़ना, खींचना तथा ऐंठना, ऐसी सारी क्रियाएं को संपन्न किया जाता है प्लास के द्वारा या प्लायर के द्वारा। इस प्रकार हम आप फिगर से उसके भाग को पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं और प्लायर किस मेटल का बना होता है और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, खासियत क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम आते हैं फिगर पे, तो देख रहे हैं कि प्लायर है। प्लायर में देख रहे हैं कि किस तरह का ये ग्रिप बना हुआ है। तो इस प्रकार हम उसके भाग के बारे में जानें, तो सबसे पहला हम आते हैं ये आगे वाला जो फ्रंट भाग है, इसे हम टिप कहते हैं। दूसरा क्या है, ये जो दोनों जॉ है, जबड़ा है, जो मूवेबल जॉ है, यानी कि अप डाउन होने वाला, मूव करने वाला, अप डाउन करने वाला जॉ है, जबड़ा है। उसके बाद यहाँ पाइप ग्रिप है। ये पाइप ग्रिप हम देख रहे हैं कि इसमें लाइनिंग किया हुआ रहता है कि ताकि अच्छी पकड़, यानी कि मजबूत पकड़ बना सके किसी भी नट बोल्ट को पकड़ने में या किसी भी पाइप को पकड़ने में। पतले पतले पाइपों को पकड़ा जा सकता है इसे आसानी से। इस प्रकार ये पाइप ग्रिप है। उसके बाद आते हैं ये कटर है, जिसे हम क्या करते हैं, कटिंग करने का काम करते हैं। वायर को काटना हो तो या मेटल वायर को काटना हो तो इस प्रकार पतले पतले सीटों को काटने के लिए या पतले पतले वायर को काटने के लिए कटर का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ से कटता है, तो इसे हम कटर कहते हैं इस वाल को। उसके बाद इसे हम फुल क्रोम या पिवोट पॉइंट कहते हैं इसको। फुल क्रोम हम देखते हैं कि बीच में मिडिल भाग पे ही क्या होता है कि वहीं से मूवमेंट का संरचना किया जाता है, यानी मूवमेंट इसी के द्वारा संपन्न होता है, इसलिए इसे फुल क्रोम पिवोट पॉइंट कहते हैं। अब आते हैं क्या कि इस पे जो है ये मेटल का तो बना होता है, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और दूसरा क्या है कि इस पे एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, एक मोटे प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, जो देख रहे हैं कि इसे इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेशन का किया हुआ है कि ताकि हम कभी क्या करते हैं कि बिजली का काम करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमें शॉक न लग जाए। इलेक्ट्रिक शॉक से हम बचने के लिए क्या करते हैं कि ये प्लास्टिक कवर बिना लगे हुए अगर हो तो उसे हम वर्क नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्थिति में इंसुलेशन किया हुआ ये क्या है, पाइप या रबर ग्रिप लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि इस पर डॉट डॉट जो दिखाई दे रहा है, डॉट 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 डॉट, तो यहाँ दिखाई दे रहा है डॉट, ये क्या है, ग्रिप बनाने के लिए कर रहे हैं, का मतलब है कि हाथ से फिसल ना जाए इसीलिए, या पकड़ मजबूती बनाने के लिए कभी हम दबाते हैं कभी हम हटाते हैं, इस प्रकार क्या है ग्रिप अच्छा बने इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह स्पॉटेड जो रबर होता है उसी का हम प्रयोग करते हैं। अब क्या है, ये हैंडल है या हम इसे लेग भी कहते हैं, हैंडल या लेग कहते हैं। अब इसकी लंबाई के बारे में हम जाने तो क्या है कि लंबाई 150 से 200 mm अब हम इसकी लंबाई को जानें, अब हम इसकी लंबाई को जानें कि 150 से 200 mm तक इसका क्या होता है, लंबाई होता है, छोटा बड़ा इस तरह क्या है अलग अलग साइज में देखने को मिलता है, जो 150 से 200 mm तक अवेलेबल होता है बाज़ार में या कहीं भी। इस प्रकार
हम ये देखें कि ये प्लायर जो है ये कम्बिनेशन प्लायर है और ये हाई कार्बन स्टील से बना हुआ है। दूसरा क्या है कि इसे हार्ड टेम्परिंग किया जाता है हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। होता क्या है कि जब हम इसे फोर्जिंग विधि के द्वारा हम क्या करते हैं कि प्लायर का संरचना करते हैं या निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद इसे हीट ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि इसे लाल तख्त गर्म करके और इसे अचानक पानी में डुबो देते हैं जिससे टेम्परिंग आ जाता है, जिससे क्या होता है कि ग्रिप टूटता नहीं है, मुड़ता नहीं है कि ताकि नट बोल्ट को खोलने में या फिर कसने में ऐसे स्थिति में क्या हो कि ये ग्रिप हमारा मुड़ न जाए या पकड़ हमारा मजबूत हो, टूट ना जाए। ऐसे स्थिति में इसे हार्ड टेम्परिंग किया जाता है। तो इसके हम भाग को हम जान गए, ये जॉइंट कटर है। जॉइंट कटर है क्या कि इसे हम क्या करते हैं कि ये तो इंटरनल तो काटता ही है, हम किसी भी वायर ये मेटल वायर को हम क्या करते हैं यहाँ पर रखकर हम दबा दें तो यहाँ तो कटता ही है, साथ साथ ये साइड कटर कहेंगे या हाँ जॉइंट कटर कहें, इस पर हम क्या करते हैं इसमें यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि दबाते हैं तो ये क्या होता है मेटल को काट देता है, मेटल वायर को काटता है, इसीलिए हम इसे जॉइंट कटर या साइड कटर कहते हैं। इस प्रकार ये इसके भाग को प्लायर के भाग के बारे में पता चल गया कि इस प्रकार क्या है कि इसकी संरचना होती है और ये जो ग्रिप लगा हुआ होता है हाँ इंसुलेशन किया हुआ रहता है कि ताकि क्या है कि हम हाँ बिजली का काम अगर जिस समय कर रहे होते हैं तो ये हमारा हाथ ये मेटल पे आ ना जाए, इसके लिए क्या होता है स्टड लगा हुआ रहता है यानी कि ब्रेकर का काम करता है ये, और ये हमारा हाथ क्या है कि वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रिक शॉक से हम बचे हुए रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये इंसुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके टाइप के बारे में जानेंगे। यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि कुछ कुछ मेटल को या कुछ चीज़ को या वायर को क्या करता है कि ऐंठने का काम करता है, जॉइंट जिस समय हम बनाते हैं उस समय क्या करता है कि इसे पकड़ कर हम जॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। कभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से काटने का होता है तो यहाँ से काट लेते हैं, वायर को काटते हैं, जिसमें क्या होता है कि वायर में भी प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन सिर्फ कटता है और जो कॉपर वायर है या आयरन वायर है, जो भी वायर है, एल्युमिनियम वायर है, कोई भी वायर है, तो उसमें क्या है कि सिर्फ इंसुलेशन को हटा दिया जाता है और वायर को खींचा जाता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं इसे कटर के द्वारा हम कर लेते हैं, और कुछ पतले जो मेटल वायर होता है इसे भी हम काटने का काम करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पाइप ग्रिप जो है पतले पतले पाइप को पकड़ने होल्ड करने के काम आता है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे नट बोल्ट होते हैं जिसे कुछ को वहाँ से पकड़ते हैं तो कुछ को यहाँ से हम पकड़ पाते हैं, जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है, जिस तरह ज़रूरत होता है उस ज़रूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं कि हाँ फ्रंट से काम करते हैं, मिडिल भाग से काम करते हैं, यहाँ से काम करते हैं, फिर कटिंग का काम हम यहाँ से करते हैं। इस प्रकार ये एक तरह से क्या है कि मल्टीपर्पस काम में आने वाला ये क्या है प्लायर है जिसे हम कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। तो इसका वर्क क्या है, मोस्टली इसका वर्क है किसी भी वायर को या मेटल वायर को ऐंठना, काटना, खींचना, इस तरह की क्रियाएं या नट बोल्ट को कसना, खोलना, इस तरह का काम किया जाता है, या कम से कम मजबूती से बोल्ट को नट बोल्ट को एक साइड से पकड़ना तथा दूसरे साइड से स्पैनर का यूज करना। इस प्रकार टाइटली इससे हम क्या करते हैं कि जो हाथ से हम जिसको हम नहीं पकड़ पाते हैं या संभव नहीं है रोक पाना, वैसे स्थिति में हम प्लायर का मदद लेते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं कि नट बोल्ट को कभी क्या करता है कि दोनों साइड हमें स्पैनर नहीं लग पाता है जब, तो एक तरफ स्पैनर लगाते हैं और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि नट या बोल्ट को हम इसके सहारे क्या करते हैं
प्लायर के सहारे हम पकड़ लेते हैं मजबूती से और हम अपने काम को अंजाम दे देते हैं, यानी कि नट बोल्ट खोलने का काम कर लेते हैं। इस प्रकार अब हम प्लायर के टाइप के बारे में जानेंगे। तो प्लायर के बहुत से प्रकार हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि टाइप ऑफ प्लायर है, तो एक में क्या है साइड कटिंग प्लायर है, दूसरा क्या है लॉन्ग नोज प्लायर है। साइड कटिंग प्लायर क्या है कि जिस तरह हम साइड कटिंग प्लायर देख रहे थे कि यहाँ से कट किया जाता है किसी भी मेटलिक वायर को, तो साइड कटिंग प्लायर है। दूसरा क्या है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर का मतलब है कि ये वाला भाग जो टिप जो देख रहे हैं वो नुकीला होता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग जो है नुकीला होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि वैसे जगह पर जहाँ ये कम्बिनेशन प्लायर और अदर प्लायर वहाँ नहीं पहुँच पाता है, यानी कि तंग रास्ता होता है या कभी जगह रह पाता है जहाँ ये सूटेबल नहीं होता है, वहाँ हम क्या करते हैं लॉन्ग नोज प्लायर से हम क्या करते हैं का सहारा लेते हैं और वहाँ हम वर्क करते हैं। उसके बाद स्लिप हाँ जॉइंट है, तो स्लिप जॉइंट ऐसा है कि स्लिप जॉइंट प्लायर यहाँ पे क्या होता है कि दो इसका पहलू बना होता है, जिससे क्या होता है कि कभी स्लिप होकर यहाँ आता है, कभी स्लिप होकर वहाँ जाता है। इस प्रकार यानी कि इसके साइज को यानी कि इसके जॉ को बहुत ज़्यादा फैलाना और कम फैलाना हाँ इस पर निर्भर करता है कि ये स्लिप होकर कभी इस पॉइंट पे चला जाता है, कभी इस पॉइंट पे चला जाता है। इस तरह हम इसे क्या कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार जो वर्क करते हैं स्लिप जॉइंट प्लायर के द्वारा हम कर पाते हैं। उसके बाद है क्या डायगोनल प्लायर। तो डायगोनल प्लायर क्या करते हैं कि किसी भी नट बोल्ट को पकड़ने का काम इसे नहीं लिया जाता है, बल्कि इसे ज़्यादातर वायर की कटिंग के लिए किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो वर्क होता है, जिस तरह हम क्या कहें कि ये लाइन मैन है जो बिजली का वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, उसके द्वारा ये क्या किया जाता है जो प्लायर का यूज किया जाता है वही वर्क क्या होता है डायगोनल प्लायर का होता है, क्योंकि डायगोनल प्लायर का काम है कटिंग करना। अगर पतला पतला सीट है तो उसे भी हम कुछ दूरी तक या कुछ लंबाई तक हम क्या करते हैं आसानी से हम काट सकते हैं डायगोनल प्लायर के द्वारा। गैस प्लायर, तो गैस प्लायर क्या है कि ऐसे तो जनरली हम क्या करते हैं कि एक ही प्लायर से हम क्या करते हैं कि जब कुछ हद तक हम क्या करते हैं कि इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर कर लेते हैं, लेकिन गैस प्लायर क्या है कि खास काम के लिए बना होता है, जिसमें क्या होता है कि हॉज क्लैंप होता है, उसका नोजल होता है, ये सबको टाइट करने या खोलने के लिए या हॉज पाइप को क्या करते हैं टाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो गैस प्लायर है। इस प्रकार और भी प्लायर है जिसमें वेम प्लायर है, फ्लैट नोज प्लायर है। तो फ्लैट नोज प्लायर क्या है कि इसका जो नोज है ये क्या है फैला हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि बड़े बड़े जॉब को पकड़ने के लिए आप फ्लैट नोज प्लायर का यूज करते हैं। उसके बाद टंग एंड ग्रूव प्लायर, टंग एंड ग्रूव प्लायर के द्वारा भी हम एक कहने का मतलब है कि खास वर्क करते हैं। उसके बाद मंकी प्लायर है, उसके बाद सेफ्टी वायर प्लायर है, एडजस्टेबल प्लायर है जिसको हम एडजस्ट करके बड़ा छोटा जिस तरह हम कर रहे थे इसमें स्लिप जॉइंट में, उसी तरह एडजस्टेबल प्लायर भी क्या होता है कि एडजस्ट करने के लिए बड़ा छोटा इसे फिट नहीं आ रहा है या और ज़्यादा बड़ा जॉब है तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं एडजस्ट करके बड़ा हम करते हैं साइज को, एडजस्टेबल प्लायर का यूज करते हैं। उसके बाद वाइस ग्रिप प्लायर है, उसके बाद राउंड नोज प्लायर है, उसके बाद ट्रेंसिंग प्लायर है, क्रिम्पिंग प्लायर है, लाइनमैन प्लायर है। लाइनमैन प्लायर के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिशियन जो प्लायर का यूज करता है तो ज़्यादातर क्या होता है कि वायर को या तो ऐंठने का काम करता है, जॉइंट बनाने का काम करता है, या तो वायर की का इंसुलेशन हटाने के लिए काम करता है, या तो कुछ जो अनवांटेड जो
वायर पता है, मेटलिक वायर है, उसको काटने के लिए लाइन मैन वायर का प्लायर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वाटर पंप प्लायर है, नीडल नोज प्लायर है। नीडल का मतलब होता है सुई, यानी कि टिप जो है उसका सुई की तरह होता है, नुकीला होता है। हाँ, और कम जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर स्पेस नहीं होता है, जहाँ पे किसी भी नट बोल्ट या छोटे छोटे स्क्रू को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हॉग रिंग प्लायर है, हॉज क्लैंप प्लायर है। हॉज क्लैंप प्लायर में देखते हैं कि हाँ, इस गैस से संबंधित जो क्लैंप होता है, हॉज क्लैंप, उसे क्या करता है कि टाइट करने के लिए या फिर लीकेज को, लीकेज ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि इसी प्लायर से टाइट किया जाता है कि ताकि ना निकले हॉज कनेक्शन से और ना उसे गैस का लीकेज हो। ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है कि हॉज क्लैंप प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। स्नैप रिंग प्लायर है, उसके बाद लॉकिंग प्लायर है। ऐसे में क्या है कि लॉकिंग प्लायर किसी भी छोटे छोटे जॉब को क्या करता है कि लॉक करने के लिए, कि एक जगह से दूसरा जगह प्लेसमेंट ना हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह फिसल ना जाए, ऐसे स्थिति में लॉकिंग प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा आज प्लायर, जिसमें हम सारे भाग को जान गए कि इसका कौन कौन सा पार्ट होता है। तो हम बताया कि क्या है, फ्रंट वाला जो भाग होता है उसे हम टिप कहते हैं, ये दोनों जाव को हम क्या कहते हैं, मूविंग जाव जाव कहते हैं, जबड़ा कहते हैं। उसके बाद ये ग्रिप जो बना हुआ है, पाइप ग्रिप है। उसके बाद ये जॉइंट कटर है, जहाँ से हम क्या करते हैं, मेटलिक वायर को हम काट लेते हैं। उसके बाद ये कटर है, जिससे हम क्या करते हैं कि वायर को काटने में यहाँ भी प्रयोग किया जाता है, या मेटलिक वायर को भी। उसके बाद ये फुलक्रम है, इसे हम क्या कहते हैं, पिवट पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यही से क्या होता है, मोमेंट का स्टार्टिंग होता है। ये अगर नहीं हो, लॉक हो, तो फिर क्या हो, ये दोनों जाब क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। जाम अगर कर दिया जाए तो आगे मोमेंट करना बंद हो जाएगा। उसके बाद ये ग्रिप है, जो जो प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ है मेटल पे, उस पर क्या होता है, ग्रिप युक्त क्या है, प्लास्टिक का या रबर का इंसुलेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या कवर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद इसके लंबाई के बारे में जाने, तो लंबाई क्या है, 150 से लेकर 200 mm तक होता है। उसके बाद ये दोनों क्या है, हैंडल है या लेग है, और ये इंसुलेशन है कि ताकि क्या है कि जब कभी वायर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, उस समय शॉक ना लग जाए। और ये क्या है, स्टड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से क्या है, ब्रेकर का काम करता है कि यहाँ से हम आगे हमारा हाथ ना चल जाए गलती से भी। ऐसे में सुरक्षा उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसे। इस प्रकार आप लोगों को प्लायर के बारे में कुछ भी पता चला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।